चेला के हुए स्वर्ग में ठेलम ठेला। वैसे तो स्वर्ग में इनको जगह नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि लोभी और लालची दोनों ही हैं, तो ये नरक के गामी है ना कि स्वर्ग के वासी बनेंगे। जैसे कि जो दक्ष था सर्वज्ञ था और रसो कहने से तर जाएगा ओ पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण खेले से कर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी। 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 लेकिन चर्चाएं तब होंगी जब आप अच्छे कार्य करोगे। काम ऐसा जो कर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से कर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर्तन मुश्किल से नर्तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्योंकि ये जो जो मनुष्य का शरीर है इस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता भी यही सोचते हैं कि केवल एक बार हम मनुष्य बन करके उस पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो हम उस ठाकुर की कथा को सुन करके हमारा बार बार का आने जाने का जो चक्र है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। देवता भी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से मिलता है क्योंकि 84 लाख योनियां हैं। ये नहीं है कि केवल एक ही योनि है तो वो तो साहब हमें मनुष्य का जन्म मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं पता है आगे क्या बनोगे। आगे क्या बनोगे? ऊंट घोड़ा बकरी न जाने क्या बनाएगा परमात्मा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। 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 फिर न जाने कहाँ जाएगा काम ऐसा जो कर जाएगा। कृष्ण कहने से कर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। तो जो गोपियां हैं वो क्या है और गोपी कहाँ से आई?